हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चे जामिया मिल्ला इस्लामिया में एडमिशन लेना चाह रहे थे डिस्टेंस मोड में, तो उस चीज को लेकर के दो नोटिफिकेशन है। एक चीज तो ये कि जो बच्चे जिनका नोटिफिकेशन था कि उनको एडमिशन लेना था एंड देन आफ्टर वो एडमिशन लेने नहीं पहुंच पाए बिकॉज ऑफ सम रीजन, कि इंडिया के वाइस टावर सिटी की वजह से बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीजें हो रही है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं दिल्ली। जैसे हरियाणा में कुछ हो रहा है, दिल्ली में कुछ हो रहा है, बिहार में कुछ हो रहा है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सी चीजें हो रही हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत सारे बच्चे जो यहाँ नहीं आ सकते थे, तो इन सबको लेकर के हमने बात किया कि क्या आखिर इसमें क्या किया जा सकता है। तो जामिया के डायरेक्टर से बात किया गया है। तो टोटल हमारे पास क्या दो नोटिस है, एक तो पहले जामिया के डिस्टेंस को लेकर के कि आखिर उसका डेट क्या है, ये सारी चीजें। फिर बात हम करेंगे कि आखिर जो बच्चे जिनका एडमिशन छूट गया है तो वो अभी क्या कर सकते हैं। पहला तो एक न्यूली एडमिशन के बारे में बात करेंगे, दूसरा जिनका एडमिशन छूट गया है बिकॉज कुछ डिले की वजह से वो नहीं आ पाए या जो कुछ भी, उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम अपने नोटिस की तरफ चलते हैं। जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने जो नोटिस पार्टिकुलरली निकाल के रखा है कि आखिर जो बच्चे जिनका मिस हो चुका है वो अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने डिस्टेंस की डेट को इंक्रीज कर दिया है। अब डिस्टेंस की जो डेट को इंक्रीज किया गया है वो आखिर कब तक किया गया है, तो इसके लिए हम चलते हैं जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम जामिया की वेबसाइट्स पे आ गए हैं। तो यहाँ पर जाकर के यहाँ पे जामिया मिल्लिया ने जो डिस्टेंस के लिए जो अभी लास्ट डेट थी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये एक्सटेंड क्या कब तक किया गया है, इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जरूरी अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही साथ जो अभी डेट एक्सटेंड हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आखिर आप कब तक आ सकते हो। जो बच्चे का अभी तक मतलब 5 तारीख में था, 1 तारीख में था, या 31 में था, या जब भी था, वो नहीं पहुंच पाए दिल्ली अपने काउंसलिंग के लिए बिकॉज कुछ भी रीजन हो सकते, तो वो क्या कर सकते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बात करते हैं जामिया डिस्टेंस को लेकर के। तो जामिया डिस्टेंस को लेकर के जो लास्ट डेट जो अप्लाई करने का था तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ऑनरेबल डायरेक्टर जो सीडीओ है, जो वाइस चांसलर हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन, तो उन्होंने एक्सटेंशन कर दिया है किस चीज का, तो यूजी पीजी सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन सबके कोर्सेज का। ठीक है, साथ साथ इसकी जो डेट है लास्ट डेट वो कर दी गई है 14 अगस्त 2023 तक। मतलब 14 अगस्त 2023 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो 14 अगस्त तक जो भी बच्चे हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब वापस आते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो बच्चे का जिनका 1 तारीख में था, 3 मई था, 5 मई था, या जो भी डेट में था, जो बैक डेट में थी, उन्होंने काउंसलिंग मिस कर दी, या हो सकता है कल हो किसी का वो नहीं पहुंच पाए, या 7 तारीख को हो तो वो नहीं पहुंच सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, क्या उनका एडमिशन नहीं होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो डायरेक्टर है डिस्टेंस मोड की, प्रोफेसर जेसी अब्राहम मैम, तो उनसे अर्शी आला ने बात किया। एंड अर्शी आला ने बात करने के बाद मैंने उन्हें भेजा था, तो उन्होंने बात किया। उनसे बात करने के बाद ये बात हुई कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जो भी बच्चे मिस कर गए हैं कुछ भी रीजन की वजह से, तो वो क्या कर सकते हैं, वो 20 20 अगस्त तक आकर के एडमिशन ले सकते हैं। तो ये उनके लिए पार्टिकुलर नोटिस है। जो बच्चे किसी भी वजह से मिस हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो इस वीडियो को जरूर से उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा कि 20 अगस्त तक जो भी बच्चे जिनका मिस हो गया है या कल परसों में था तो वो नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो 20 अगस्त से पहले तक आकर के एडमिशन ले लें। तो 20 अगस्त तक वो आकर के एडमिशन ले सकते हैं, कोई इतना कंपलसरी नहीं है कि वो नहीं, उनको कल ही आकर के एडमिशन लेना होगा, जिस डेट में दिया हुआ उसी डेट में आके लेना पड़ेगा, बट हाँ 20 से पहले तक आपको ले लेना होगा। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।